कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट किया, बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, गैसेज हैं, आगे बैलेंसिंग कर दिया, तो अब ये आ गया वॉल्यूम। ये जो सब्सटेंस, ये जो कंपाउंड के आगे नंबर लिखा होता है, इसकी बात कर रहा हूं। इस नंबर को कहते हैं क्या? वॉल्यूम। तो यहां पर साफ से पता चल रहा है कि दो वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड का है, इसके ऑक्सीजन के आगे कोई नंबर नहीं है, देख लीजिए कोई नंबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू है वन वॉल्यूम। और क्या है ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के आगे टू है लिखा, तो इसकी वॉल्यूम है टू। तो नंबर कहां देखना है आपको? जो मॉलिक्यूल है वही आपका वॉल्यूम है। तो ये रेशियो, क्या रेशियो बना? 2:1:2। अब आप कहेंगे सर ये रेशियो क्या है? यही रेशियो क्या है? कांस्टेंट रहता है। यही कहता है गे-लुसेक्स लॉ कि जब भी गैसेस कंबाइन करेंगी, ये दोनों गैसेस जो कंबाइन कर रही हैं, इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनका रेशियो किसके साथ, इस जो फॉर्म हुई बनी हुई गैस है इसका प्रोडक्ट के साथ हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। जैसे मेरे केस में आया 2:1:2, तो देखिए ऊपर भी यही आया 2:1:2। क्या हो रहा है? रेशियो विल रिमेन कॉन्स्टेंट, सिंपल रेशियो हमेशा सेम आएगा। क्लियर? ये गे-लुसेक्स लॉ है, गैसेस पे ही अप्लाई होता है, लिक्विड और सॉलिड्स में अप्लाई नहीं होता है। नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए और इसकी वॉल्यूम को समझिए। इस रिएक्शन में देखिए, पहली चीज इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, उसके बाद ही वॉल्यूम निकालिए। इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है? हाँ, ये जो आगे देख रहे हैं नाइट्रोजन के आगे क्या है? कोई नंबर नहीं है, तो जो नंबर नहीं आगे कुछ लिखा है, तो वन वॉल्यूम कंसीडर किया जाएगा। तो वन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद थ्री वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस टू वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो ये रेशियो क्या बता रहा है? 1:3:2। समझ में आ गया? ये रेशियो हर पल सेम रहेगा, इसके आगे के नंबर आप अगर चेंज करेंगे, ये जो आगे के डिजिट्स हैं चेंज हो जाएंगे, सिंपलीफाइड होने पर यही हर बार आएगा। क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, निकालना किसका वॉल्यूम है? ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है एट एसटीपी रिक्वायर्ड, ठीक है। और आपके पास गिवन क्या है? 100 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम दे दिया 100 लीटर। क्लियर? चलो हमारे रिएक्शन में देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड यहां है, यहां देखिए स्क्रीन पर आप, हाँ आप स्क्रीन को थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं आपके लिए स्क्रीन थोड़ा सा यहां शिफ्ट कर दे रहा हूं, चलिए अब क्लियर हो जाएगा। 100 वॉल्यूम किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। पहले वॉल्यूम लिख लूं, यहां पर दिख रहा है कि ये 2 वॉल्यूम है, क्लियर है आपको? दिख रहा है क्लियरली? आपको निकालने लिखा है सिर्फ ऑक्सीजन का वॉल्यूम, ठीक है। और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना दिख रहा है? 1 वॉल्यूम। आप स्टेटमेंट ऐसा लिख सकते हैं कि 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर्स, कितना रिक्वायर चाहिए उसको? रिक्वायर 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। आगे नंबर नहीं है, देखिए यहां पर नंबर नहीं है, तो ये क्या बताता है? जब नंबर नहीं है तो 1 है, कोई नहीं है तो 1, ठीक है, कोई नंबर नहीं है तो 1। तो क्या चाहिए? 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, वॉल्यूम का वॉल लिख दे रहा हूं, ठीक है, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो क्लियर हो गया, इसका साफ साफ समझ आ रहा है। अब हमको ये भी मालूम है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितना लीटर है? 100 लीटर है, वॉल्यूम दे दिया, तो कितना दे दिया? 100 लीटर। तो इससे पता चल गया, क्या पता चल गया? कि 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू 100 लीटर। तो 1 वॉल्यूम कितने के बराबर होगा? सीधा यूनिटरी मेथड लगाओ, है ना, यूनिटरी मेथड। अरे भाई, 2 पेन 100 रुपए की है, तो 1 पेन कितने की होगी? कम की होगी। हाँ भाई, कम की होगी, कम मतलब डिवाइड, तो डिवाइड कर दो 2 से। 2 से क्यों? क्योंकि मैंने कहा था 2 पेन। 2 से क्यों? क्योंकि मैंने लिखा है 2 वॉल्यूम, या 3 लिखा होता तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो क्या जाएगा? 1 वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। कितनी है? 1 वॉल्यूम की वैल्यू आ गई 50 लीटर। और 1 किसका नंबर है? ऑक्सीजन का। सो क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड है।